आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में। बात करेंगे यस बैंक के बारे में। बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल पर आके रुका हुआ है यस बैंक। अगर आप चाहें तो आगे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया वैल्यू बाय है, आप इसको खरीद सकते हैं। और आल्क या इक्विवेलेंट बैड बैंक कहें, वो इसको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बैड लोन्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द बुक। आइए चलकर टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं क्या करना चाहिए आपको इस स्टॉक के तहत। सबसे पहले अगर हम बताएं वोडाफोन आइडिया, जो कि कैश के साथ थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है उसको, वहां पर जो ये डेब्ट रिकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एज पर द बैंक, इट माइट नॉट बी ऑफ गुड यूज, क्योंकि उनका जो फंड्स हैं वो उन्होंने नॉन फंड बेस्ड गारंटी लोन से लिया हुआ है, जिसके चलते हुए यहां पर रेगुलेटर को मॉडिफिकेशन करना होगा, अगर उसको रिकास्ट करना पड़ेगा लोन को। यहां पर देखिए एनआईआई इनकम बहुत अच्छी बढ़ रही है उनकी, जो कि बहुत अच्छी बात है, और यहां पर लोन्स भी आगे ग्रो होंगे, तो जिसके चलते हुए उनका बेसिक जो ब्रेड एंड बटर होता है बैंक का वो अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ में, जिसके चलते हुए उनको एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा, चाहे इंश्योरेंस की बात करें चाहे आप कार्ड्स की बात करें, तो बहुत अच्छी पहल है इस तरह से देखा जाए। इसके चलते हुए पैड जो है वो ऊपर की तरफ को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें आने वाले क्वार्टर्स में। आर्क जो है यहां पर बहुत होप लेके आ रहा है बैंक के लिए, वैल्यू बाय बन रही है यस बैंक में, और टेक्निकली ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है। हमारे हिसाब से इसका टारगेट 50 रुपए का है। आइए चलकर टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं प्राइस का क्या एक्शन हो रहा है। कल बंद होते होते 13 रुपए 55 पैसे पर यह बंद हुआ है स्टॉक। यहां से दिन का उच्चतम स्तर जो था वो करीब करीब 13 रुपए 70 पैसे के आसपास था, और न्यूनतम स्तर 13 रुपए 50 पैसे के आसपास था। तो देखिए हमने बताया था 13 रुपए 45 पैसे का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पिछले 10 दिनों से ये काफी इस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, और यहां पर कंसोलिडेशन एक तरह से पैटर्न लग रहा है। अगर यहां से ये ऊपर जाना शुरू करेगा तो सबसे पहला इसका टारगेट 17 रुपए का रहेगा। यहां पर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स इसको ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और अगर आप लॉन्ग टर्म के होल्डर हैं तो 50 रुपए का इसका टारगेट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से। आइए चलकर कुछ बैंड देखते हैं। तो बुलिंजर बैंड वन ऑफ आवर फेवरेट इंडिकेटर, इसके साथ में बैंडविड्थ अगर देखेंगे तो यहां पर दोनों की दृष्टि से ये काफी अच्छे मोमेंटम पर है। डायरेक्शन ऊपर है, बैंडविड्थ सिर्फ 12 के आसपास है, तो ये एक सही पोजीशन है जहां पर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर कुछ स्टडीज ऐड किया जाए तो देखिए एलिगेटर इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली ये अभी जब तक 13 रुपए 90 पैसे के ऊपर नहीं जाता है तब तक सेल सिग्नल मेंटेन रखेगा, पर अभी गैप कम होता जा रहा है जो कि एक अच्छा साइन है। यहां से बिफोर द ब्रेकआउट ये आपको यहां पर एक अच्छी पोजीशन पे मिल रहा है। अगर हम मैग्डी को देखें तो मैग्डी एक अच्छा पैरामीटर है जो आपको पहले बता देता है प्राइस के मोमेंटम से कि यहां से आगे एक्शन क्या हो सकता है। मैग्डी का पाथ तो नीचे की तरफ को है, पर जो बार लेंथ है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से ये यहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल नहीं है। हो सकता है लोग बाग बहुत अच्छी तरह से इसको यहां पर अक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्सेस और सुपर ट्रेंड को अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन देखें तो ये आपको बता देगा कि आगे आपके लिए क्या होना चाहिए। देखिए सुपर ट्रेंड के बेसिस पर 13 रुपए 40 पैसे का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहां पर, और आरएसएक्स लेवल 43 के आसपास है जो कि बहुत न्यूट्रल जोन माना जाएगा। यहां से आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। यस बैंक 13 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। प्राइस और वॉल्यूम की तरफ से देखा जाए तो यहां पर अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, और कभी भी इसमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज आई तो बहुत तगड़ा उछाल आएगा। जितने भी बियर व्यू बना के रखे हुए हैं अभी यस बैंक में, उन सबको हमारी हिदायत है प्लीज बचाइए अपना पैसा, यहां पर इसमें बियरिश मत रहिए, ये स्टॉक एक भी मत बेचना, वरना हो सकता है जैसे भालू दुम दबा के भागता है वैसे ही आपको भी इस स्टॉक में लॉस होगा। तो ये स्टॉक सेल नहीं करना है, इसको होल्ड रखिए, ये हमारी सलाह। वैल्यूएशन की दृष्टि से बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल रही है, और अगर आपको वीकली अर्निंग करनी है स्टॉक मार्केट से और आपके पास 20 लाख से ज्यादा कैश है तो मेल ड्रॉप कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। 4 वीडियो प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।